मैथ्यो चैप्टर 13 13 इसका 18 से 23 तक हम पढ़ेंगे। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का हद सुनो। जो कहे राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारा बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने का कारण वह थोड़े ही दिन का है। और अब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत टोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह वह है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमेन। प्रभु यीशु का नाम से और एक बार प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। ये जहाँ पे हम मैथ्यू 13 अध्याय बीज बोने वाला था, एक बड़ा स्टोरी कहा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसका कंटिन्यू है। हम कंटिन्यू जो है हम ये जगह पे हम देखेंगे मैथ्यू अभी 18 का जो है 18 वचन से सॉरी 13 का 18 से हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रकार का बीज के बारे में जो है उसमें बताया, वो कुछ जो है रास्ता भी गिरा हुआ है, कुछ जो है जमीन पत्थर वाला जगह पे गिरा है, कुछ जो काटा के बीच में झाड़ियों के बीच में गिरा है, कुछ अच्छा बोझ अच्छा जमीन में गिरा है, ऐसा जो हम देखते हैं। किसान कभी जो है बीज को लेके वेस्ट नहीं करते, बीज को अच्छा जगह पे जो है बोना चाहते हैं, अच्छा जगह पे वो डालना चाहते हैं। लेकिन ये जगह पे क्या हुआ है, ये जगह पे बीज कुछ जगह पे गिर गया है, ऐसा जगह पे गिर गया है तो कुछ रास्ता पे गिर गया, वो रास्ता पे तो ऐसा जानबूझ के तो नहीं डाला होगा, लेकिन इसलिए ऐसा गिर गया, शायद हवा के हिसाब से जो है वो गिर गया होगा, हवा के हिसाब से वो बीज उधर चला गया होगा। हमारा लाइफ में भी हम कभी बीज बोते हैं, कभी कभी इसी प्रकार जाके रास्ता पे गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताते हैं, वो लोगों का ऐसा दर्शाया है, ये लोग ऐसा लोग है वचन को सुनकर नहीं समझते, फिर ऐसे ही रहता है, सैतान आके वो उसको ले जाते हैं। कुछ कैटेगरी का लोगों को हम देख सकते हैं, एक कैटेगरी का लोग एक एक प्रकार के इस प्रकार के लोग वो चर्च में आएंगे, वचन को भी सुनेंगे, हाँ हाँ करके भी बोलेगा, लेकिन उसका वचन जो है अंदर नहीं जाएगा, उसका वचन ऊपर ऊपर से रह जाएगा, उसका वचन को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमारा लाइफ में वचन का गहराई नहीं तो वचन का चीज हमारा अंदर नहीं आएगा, हमारा लाइफ में कोई चीज जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको वचन का जरूरी जरूर हमको पड़ता है। बाइबल में तो हर प्रकार के हर एक आशीर्वाद बाइबल में तो लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए वो सारे चीज बाइबल में है, लेकिन हम लेगा हम समझ लेंगे हम लेगा तब वो चीज हमारा लाइफ में काम पे आता है, वो तभी वो हमारा काम पे लागू पड़ता है। ऐसा समझ लीजिए, एक बड़ा जो है एक जमींदार है, उसने तो बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत बड़ा गुडाउन रखा है, वो गुडाउन में हर प्रकार के हर रकम आइटम आपको मिल जाएगा, हर प्रकार का। ऐसा कभी कभी हम देखते हैं ना बहुत बड़ा माल, हर प्रकार के आइटम जो है बड़ा बड़ा माल सब, आप क्या चाहिए एक तो इज्जत सब मिलेगा, सुई से धागा, सुई धागा हाथी तक जो है आपको सुई से हाथी तक मिलेगा, ऐसा जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा एक बड़ा चीज माल है, उसका मालिक आपको जो है चाबी दिया है, आप मेरा इसमें आके कुछ भी ले सकते हैं, आपको कोई पैसा भी देने का कोई जरूरत नहीं है,
शब्दों में पे कर लेगा, कोई प्रॉब्लम मेरा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ले सकता है। ऐसा हमको परमिशन देने के बाद में भी हम उसको दुकान के अंदर नहीं तो उसको डाउन के अंदर मॉल के अंदर जाके हम कुछ भी ले लेंगे, हम ऐसा ही आएगा तो वो हमारा प्रॉब्लम, मालिक का प्रॉब्लम नहीं। बाइबल इसी प्रकार है, एक समुद्र जैसा है, उसमें हर प्रकार के हर एक चीज है, आपको जो लेना है ले सकता है, लेकिन लेना जो आपका काम है, घोड़ा को पानी तक ढूंढा ले जा सकता है, लेकिन पीने का काम और घोड़ा का काम। इसी प्रकार एक बिलीवर उसका आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उसको आगे क्या और जानना है, नहीं तो उसको कोई भी चीज बाइबल से नहीं तो परमेश्वर से कोई भी चीज उसको चाहिए, उसको पहले समझना चाहिए उसको क्या रखा है, क्या चीज है। आपको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन मिलेगा, हथियार चाहिए तो हथियार मिलेगा, पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, हर चीज तो है, लेकिन आप कौन सा जगह कितना नॉलेज आपको रहेगा, क्या आप कितना समझ में आएगा, उसी हिसाब से आप बेस्ट चीजों को आप परमेश्वर के पास से ले सकता है। इसलिए समझना जो है वो हमारा काम है, ये काम जो है हमारा साइड में परमेश्वर दिया हुआ काम, हम उसको समझ लेगा तो शैतान जो है वो हमारा सिर्फ हमारा साथ वो काम करता नहीं। अभी शैतान हमारा सिर पे बैठ के हमको परेशान करता है, जब वचन को हम समझ लेगा शैतान के सिर पे हम बैठ के उसको हम परेशान उसको हम मार सकता है। इसलिए वचन को समझना बहुत तो जरूरी है मेरा लोग, वचन के बिना ज्ञान के बिना जो है नाश होते हैं करके प्रभु ने लिखा है, लेकिन हमको समझना जो है जरूरी है। कभी भी प्रभु का वचन हमारे और आएगा तो हमको उसको समझना है। प्रभु का वचन में इसी प्रकार लिखा है ऐसा जो है वो लोग सर्च करते हैं, वो लोग जांचने लगा ढूंढते हैं, पौलुस पास्टर जो बोलते हैं, पत्रस पास्टर जो बोलते हैं वो इसमें लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में कहा आते हैं, यिर्मयाह में आते हैं, यशायाह में आते हैं, ऐसा उसने देखने लगा। इसी प्रकार हम रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम फल देने वाला बनेंगे। इसी प्रकार हम नहीं बनेंगे, हम काली चर्च में आएंगे ऐसे बैठ के ऐसा ही जाएगा तो हाँ कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ फल नहीं दे सकते। कुछ लोगों को मैंने देखा है चर्च में तो आएंगे लेकिन हाथ में बाइबल है वो बाइबल को खोलेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा, कभी कभी बच्चों लोग साथ खेलते रहते हैं, नहीं तो पास्टर पिचिंग में करते रहेगा, वो माइक स्टैंड को देखते रहेगा, माइक नहीं तो स्पीकर कहाँ से कौन सा कंपनी वो देखते रहेगा, नहीं तो दूसरा कोई चीज को देखते रहेगा, नहीं तो मोबाइल के साथ। ये लोग सारी बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये लोग जो है आत्मिक जीवन में जो है कुछ काम का नहीं, वो बढ़ नहीं पाएंगे। इतना जो है आपको बच्चों को समझ लेंगे उतना ही जो है वो आपके अंदर काम करेगा। बच्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चन तो बराबर ही है, लेकिन उसको समझने का हमारा जो है प्रॉब्लम है, कितना हम समझ लेंगे उतना हम फल दे सकता है। चलो नेक्स्ट जो है दूसरा चीज होगा, हम देखा है कुछ जमीन ऐसा कुछ बीज जो है एकदम पत्थर वाला जो है जगह पे गिरा है, ये पत्थर वाला जगह को हमको ऐसा ऊपर से देखेगा तो ये पत्थर वाला जो है ऐसा नहीं, उसमें लिखा है बच्चन में वो मिट्टी चार थोड़ा से, लेकिन नीचे जो है पत्थर एकदम साल है, उसको जो है उसको हल चला नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ऊपर से थोड़ा से एकदम उगेगा थोड़ा से आएगा कि नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाते है? क्योंकि पत्थर कुछ लोगों का हार्ट इसी प्रकार हो जाते हैं, वो बाहर से कुछ समझ हमको बाहर से अच्छा जैसा लगेगा, कुछ लोग इसी प्रकार रहते हैं, बाहर से बहुत अच्छा जैसा लगता है लेकिन अंदर अलग प्रकार रहता है, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप जब तक परमेश्वर के राज्य में आपको आगे बढ़ना है, छोटा बच्चा जैसा जब तक ऐसा नहीं बनेगा तो प्रभु का राज्य जो है हमारा नहीं, आपका नहीं बोलते हैं, हमारा ही बोलते हैं। थैंक यू। इसलिए हमारा सेकंड कैटेगरी का लोग बच्चन को स्वीकार करते हैं लेकिन जड़ जो है नहीं, उसका डीप डेडिकेशन नहीं है, नहीं तो बच्चन उसका अंदर जो है गया नहीं, उसका चीज जो है अंदर उतरा नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर है, इसलिए ऊपर ऊपर जल्दी जो है सुन जाते हैं। इसमें दूसरा चीज भी लिखा है वचन के कारण उपद्रव, नहीं तो वचन के कारण कुछ प्रॉब्लम आया है ऐसा, वचन के कारण नहीं, हमेशा जो है कोई भी
झाड़ कोई भी चीज है उसका जो सीजन बदलता है, एक बारिश का मौसम रहेगा फिर उसके बाद वो सीजन बदल जाएगा, फिर कुछ गर्मी का जो मौसम आता है फिर वो बदल जाता है, ठंडी का मौसम आता है बदल जाता है, ऐसा मौसम जो है हर बार बदलेगा। ये मौसम में हमको खड़ा रहने के लिए, सीजन में हमको खड़ा रहने के लिए हमारा जड़ हमारा रूट जो है एकदम पक्का होना चाहिए, वो एकदम गहराई में जाना चाहिए। हम गहराई में नहीं जाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम आ जाएंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे, नहीं तो उसके लिए वावाजोड़ सारी साइक्लोन आने की कोई जरूरत नहीं, आंधी तूफान आने की कोई जरूरत नहीं, हवा लगेगा तो भी जो उड़ जाएगा जिस जिस जड़ नहीं तो पौधा अंदर जो उसका जड़ अंदर है कोई जो ज्यादा है तो कोई जिस भी वृक्ष झाड़ है उसका रूट जड़ जो है कितना जड़ है में रहते उसी हिसाब से जो है वो फल भी देगा, उसी हिसाब से वो खड़ा भी रहेगा। फल देना तो सेकंड बात है लेकिन खड़ा रहना जो है खड़ा रहने के लिए रूट का बहुत जरूरी है। कथा एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी कांटा वाला जो है जगह पे जो है अच्छा अच्छा है, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन साथ साथ जो है ऐसा तो कोई फार्मर ऐसा जंगल जाट के बीच में तो काटा के बीच में तो बीज नहीं डालेगा, शायद जो है कोई बीज उड़ने के समय में वो भी साथ में उड़ गया होगा, कभी अच्छा चीज जो है ज्यादा आगे फैलता नहीं है धनाचु से एकदम आगे फैल जाते हैं, ऐसा अच्छा चीज जो है ज्यादा एकदम फास्ट ग्रोथ नहीं होते, खराब चीज जो है बहुत फास्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ यहाँ भी हो गया होगा शायद, इसलिए वो बड़ा बढ़कर जो है उसको दबाया, ये चीज को हमको उसको हटाना जो है जरूरी है। हमारा लाइफ में भी हम प्रभु के साथ चलते 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 रहेंगे, चलते चलते बीच में जो है दुनिया की चिंता नहीं तो पैसा का जो है प्रॉब्लम चिंता वो सारे चीज जो है घुस जाते, ये भी एक जंगली झाड़ जैसा है, इसको तो काटना पड़ेगा, इसका तो एक किसान है तो एक अच्छा खेती करने वाला जो है बीज डालते हैं पानी डालते हैं वो उगता है, उगता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके उसके बाद एक पीरियड लगता है वो सब जो है जंगली झाड़ों को जो है उसको साफ करने का एक समय लगता है। इससे ही हमारे लाइफ में इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा फिटिंग एक्स्ट्रा ग्रोथ एक्स्ट्रा चीज जो कुछ भी पैसा का लालच नहीं तो दुनिया की चिंता जो कुछ भी एक्स्ट्रा आता है वो सारे चीजों को पकड़ के हटा देने का, हटाएगा तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम फल दे पाएंगे, इसी प्रकार हम रहेंगे। और जो कुछ जो है अच्छा जमीन पे गिरा है, अच्छा जमीन पे गिरा तो अच्छा फल भी दिया है, कुछ तो 7 गुना कुछ तो 30 गुना लेकिन कुछ तो 100 गुना दिया है, 100 गुना देने वाला जो फल देने वाला ट्री हम देख सकता तो उसका मालिक बहुत अच्छा संभाला होगा, उसको सही समय में पानी मिला होगा, खतर मिला होगा, अच्छा प्रोटेक्शन मिला होगा, अच्छा कोई प्रकार के नेचुरल कैलमिटीज कोई प्रकार के जो है नेचुरली वातावरण में कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ये सब आके उसको अच्छा फल देने के लिए ऐसा हो गया होगा। परमेश्वर भी हमको ऐसा रखा है अच्छा फल देने के लिए, परमेश्वर हमको किया है, फल तो हम नहीं दे सकते हैं, हमने बोला है कोई भी जाट जो है अपने आप कोई भी ब्रांच डाली जो है अपने आप फल नहीं दे सकते हैं, वो जड़ के साथ बने रहेगा, उसमें से पानी आएगा, उसमें से जूस आएगा, उसमें से सब कुछ आएगा, फिर उसमें फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ आएगा। इसलिए हमारा लाइफ में भी हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, हम फल देंगे, परमेश्वर इसके लिए प्रभु आपको वही जगह पे रखा है, वही जगह पे प्रभु के लिए फल देने के लिए परमेश्वर आपको रखा है। जोसफ के बारे में वही दुनिया में देखते हैं जोसफ फल देने वाला वृक्ष करके, इसी प्रकार परमेश्वर भी आपका बारे में मेरा बारे में भी रहता है फल देने वाला वृक्ष करके, इसलिए प्रभु आपको संभाला, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद परमेश्वर, हम ग्रहण भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, ऐसा बड़ा काम परमेश्वर
सालों में, पिछले दिनों में प्रभु हमारे जीवन में ऐसा किया है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। लेट अस नाउ से सो अल्बर्टो फ्रेड द लास्ट मैन। सो प्रभु धन्यवाद, आपके हाथ में सारे बातों को सौंपते परमेश्वर। हमारा लाइफ में आप जिस जगह पे परमेश्वर हमको रखा है वो जगह पे फल देने के लिए प्रभु आपने हमको रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हम फल देने के लिए 100 गुना परमेश्वर काली फल ने 100 गुना फल देने के लिए प्रभु हमको कृपा देना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद आपके साथ ज़्यादा हम बने रहे। आमेन। थैंक यू आपके साथ, आपके वचन को हम ग्रहण करें, सुने, समझे और संभालें, संभाल के हमको आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको कृपा देना। धन्यवाद परमेश्वर, सारे बातों को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारा नहीं परमेश्वर, हमारा नहीं, हमारा जीवन में हमको फल नहीं दे सके ऐसा जीवन दबाने वाला हर एक चीजों को प्रभु आप दूर कीजिए परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू यीशु, यीशु का नाम से।